Today we will about of and Both and show दोनों के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है कार्बोनाइल कार्बन carbon है वो अटैच विद टू अलकाइड रिप्लेस बाई हाइड्रोजन एटम अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो कार्बोन कार्बन carbon है वो तीन सिग्मा बोन्ड बनाता है और एक पाई बोन्ड बनाता है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो एसपी टू है और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है इसकी अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बोन्ड है इसमें ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज अब हम देखते हैं कि कीटोन है वो किस टाइप की रिएक्शन है वो दिखाएंगे कि इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या इलेक्ट्रोफाइल तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है इजली से ये अकोमडेट कर सकता है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को जबकि कार्बन के ऊपर जो पार्सली पॉजिटिव चार्ज है वो अनस्टेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ ये कार्बोनाइल जो कार्बन है वो ज़्यादा अनस्टेबल है तो इसके ऊपर अटैक है वो जल्दी होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन तो इस ये क्या है एक इलेक्ट्रोफिलिक डेफिशिएंट स्पीसीज है तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के ऊपर कौन अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस लिविंग स्पेसिज होती है ये नेगेटिव चार्ज होता है फॉर एग्जाम्पल साइनाइड तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अब इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में तो प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल है वो प्लेन के अबो और बिलो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल तो इसलिए पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से है यानी कि हम ये बोल सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो जो कार्बन एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा था वो कन्वर्ट हो जाएगा एस पी थ्री के अंदर जैसे ये कार्बोनाइल कार्बन है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आया और ये अल्काइल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक रिसिफ्ट हो जाएंगे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये तीनों जो है तीनों जो आइटम है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन के ऊपर अटैच हो, हो जाता है ये जो रिएक्शन है वो आ, स्टेप है वो हमारा रिवर्सिबल होगा रिवर्सिबल है और स्लो स्टेप होता है उसके बाद अगला जो स्टेप है वो फास्ट होता है और इसमें ऑक्सीजन है वो प्रोटोन है वो ले लेता है और बना लेगा ओ तो इस तरह से हम देखते हैं कि एल कीटोन है दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और कार्ब कार्बोन कार्बन है वो एस पी टू से एस पी थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा और चार बॉन्ड बनाएगा तो इसकी जो सेफ है वो हो जाएगी टेट्रा हैडर, टेट्रा हेडल सेफ और उसके बाद ओ नेगेटिव है वो प्रोटॉन ले लेगा और इस तरह से दोनों एल डी कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं अब हम इसी ए, इससे रिलेटेड जो है पाई बॉन्डेड कंपाउंड है उसकी रिएक्शन देखते हैं तो जैसे अल्किन है या फिर एल्काइन है इनके अंदर भी पाई बॉन्ड होता है एल्काइन के अंदर और अल्किन के अंदर लेकिन यहाँ जो फर्स्ट स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल की जगह इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एडिशन रिएक्शन जितने भी पाई बॉन्डेड स्पीसीज होते हैं उनमें एडिशन रिएक्शन होती हैं एक्सेप्ट बेंजिन बेंजिन को छोड़ के बेंजिन है उसके अंदर एडिशन रिएक्शन नहीं होती क्योंकि अगर हम एडिशन रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन का वो खत्म हो जाएगा और ये इसकी जो स्टेबिलिटी है वो नहीं रहेगी तो एरोमेटिक कंपाउंड है वो हाईली स्टेबल होते हैं अगर हम एडिशन रिएक्शन करवाएंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे इसलिए ये हमेशा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं बेंजिन और इसके जितने भी डेरिवेटिव हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करते हैं अल्किन अल्काइन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं साइनाइड यह है साइनाइड तो साइनाइड में भी कार्बन और नाइट्रोजन पोलर बॉन्ड है तो यहां भी अल्डियाइड और किटोन की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्शन होगी ठीक है तो हमें यह पता चल गया कि पाई बोन्ड हो तो उसमें एडिशन होगा ठीक है अब कौन सा पहले अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल उसके हिसाब से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगी लेकिन बेंजिन और इसके डेरिवेटिव हैं वो कैसी रिएक्शन शो करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन ये इसका एक्सेप्शनल है